भाइयों और बहनों, केंद्र सरकार पूर्वी भारत को नए भारत के विकास का अगवा बनाने में जुटी है और निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। यही कारण है कि हां, कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हर प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। थोड़ी देर पहले यहां सैकड़ों करोड़ रुपए के रेलवे प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया गया है। अंदाल, सैथिया, पाकुल, मालदा सेक्शन, खाना साथिया सेक्शन और हिजली नारायण सेक्शन के विद्युतीकरण से आप सभी को बहुत लाभ होने वाला है। इससे कोयले समेत अनेक प्राकृतिक संपदाओं को लाने ले जाने में ज्यादा सुविधा भी होगी। साथ ही यहां से उत्तर बंगाल जाने में लगने वाला समय भी कम होगा। साथियों, बीते 4.5 वर्षों में पश्चिम बंगाल के विकास के लिए, यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए बजट में बहुत बड़ी वृद्धि की गई है। लेकिन दुर्भाग्य है कि यहां जो सरकार है वो विकास की परियोजनाओं को लेकर के रत्ती भर भी गंभीर नहीं है। स्थिति ये है कि पश्चिम बंगाल में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े लगभग 90,000 करोड़ रुपए के करीब करीब 2 दर्जन बड़े प्रोजेक्ट पर काम या तो शुरू ही नहीं हो पा रहा है, और अगर कुछ शुरू हुआ है तो बिल्कुल मरी हुई गति से काम हो रहा है। ये प्रोजेक्ट रोड, रेलवे, वाटरवे, बिजली, कोयला, पेट्रोलियम और स्वास्थ्य जैसे विषयों से जुड़े हुए हैं। इन परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार से जो सहयोग मिलना चाहिए था वो केंद्र सरकार को जरा भी मिल नहीं रहा है। आज दुनिया इस सच्चाई को जानती है कि टीएमसी की सरकार उन प्रोजेक्ट में हाथ ही नहीं लगाती जहां सिंडिकेट का शेयर ना हो, जहां मलाई न मिलती हो। केंद्र सरकार की पश्चिम बंगाल को विकास की पटरी पर लाने की योजना तब तक तेज नहीं हो सकती जब तक विकास विरोधी सरकार यहां होगी। साथियों, पश्चिम बंगाल की सरकार गरीब और मध्यम वर्ग के सपनों को कुचलने में जुटी है, लेकिन केंद्र सरकार इन सपनों को, आकांक्षाओं को नई उड़ान देने का प्रयास कर रही है।